नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं मारुति वैगनार ZXi BS6 2020 का टॉप वेरिएंट जो कंपनी ने हाल ही में लॉन्च किया है BS6 कंप्लान के साथ। तो इस वीडियो में हम इसके ऑन रोड प्राइस और डाउन पेमेंट के बारे में बात करेंगे और इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले अगर बात करें इसकी की तो इस तरह की आपको दो की मिलेंगी। सुजुकी का लोगो दिया हुआ है, दो बटन दिए हैं, इसी से आप गाड़ी को लॉक और अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर इसके वेरिएंट की बात करते हैं तो इसमें आपको टोटल 14 वेरिएंट देखने को मिलते हैं। तीन इंजन ऑप्शन के साथ 1.0 लीटर का पेट्रोल और CNG इंजन मिलेगा और 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा। जो इस ZXi में दिया हुआ है टॉप वेरिएंट में, इसमें आपको 1.2 लीटर का इंजन दिया हुआ है 1197 cc 4 सिलेंडर के साथ, BS6 कंप्लान के साथ दिया हुआ है। जो इंजन मैक्सिमम आउटपुट देता है 61 किलोवाट 6000 RPM पर और मैक्सिमम टॉर्क देता है 113 Nm 4200 RPM पर। तो अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर की, क्या क्या देखने को मिलता है। अगर हेडलैम्प की बात करते हैं तो आपको हेलोजन हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। नीचे इंडिकेटर दिया हुआ है, अंदर में आपको क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाती है। इसके नीचे मिल जाते हैं आपको फॉग लैम्प। फ्रंट में आपको सुजुकी का लोगो और क्रोम इंसर्ट देखने को मिल जाती है। वैगनार का स्टिकर दिया हुआ है नंबर प्लेट पर। और फ्रंट में दो वाइपर, दो वॉशर, रूफ एंटीना भी मिल जाता है इसमें। अगर वैगनार की बात करते हैं तो वैगनार काफ़ी फैमिली कार रही है, लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं इसे। इसका जो 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है काफ़ी पावरफुल दिया गया है। अब BS6 कंप्लान के साथ आ गया है तो काफ़ी रिफाइंड इंजन मिल जाता है आपको और इसमें आपको माइलेज भी काफ़ी अच्छा मिल जाता है। अब अगर इसके टायर साइज की बात करते हैं तो आपको 14 इंच के आपको स्टील व्हील मिल जाते हैं, 14 इंच के टायर दिए गए हैं, फुल कंपनी फिटेड आपको व्हील कैप दिए गए हैं इसमें, साइड क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। इसमें आपको बॉडी कलर में URVM देखने को मिलते हैं, उसी पर आपको सिग्नल लैंप मिल जाएगी। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड रेक्टेबल URVM देखने को मिलते हैं। बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको विंडो पर मिल जाते हैं रेन वाइजर, रूफ रेल नहीं दी जाती इसमें, रूफ रेल आप लगवा सकते हैं, एंटीना आपको मिल जाता है इसमें। तो अब चलते हैं इसके रियर में। रियर में आपको ड्रम और फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलते हैं इसमें। तो इसका रियर प्रोफाइल लुक, रियर में हाई माउंटेन स्टॉप लैंप दी गई है आपको, बड़े से आपको टेल लैंप देखने को मिल जाते हैं जो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। टेल गेट पर आपको क्रोम गाइनेस मिल जाती है, वैगनार की बैजिंग देखने को मिल जाती है। दो पार्किंग सेंसर दिए हुए हैं, नीचे आपको दो आपको रिफ्लेक्टर मिल जाएंगे, क्रोम के साथ सुजुकी का लोगो दिया हुआ है। रियर वाइपर एंड रियर डिफॉगर और रियर वॉशर देखने को मिल जाता है इसमें। ये लेफ्ट में दिया गया है फ्यूल लिड। अगर फ्यूल कैपेसिटी की बात करते हैं तो इसमें आपको 32 लीटर का फ्यूल टैंक मिल जाएगा। अगर इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो लेंथ मिलेगी आपको 3655 mm, विड्थ मिलेगी आपको 1620 mm, हाइट मिलेगी आपको 1675 mm, व्हील बेस मिलेगा आपको 2435 mm और टर्निंग रेडियस मिलेगा आपको 4.7 मीटर का। तो अब चलते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाते हैं इसमें। अगर इसमें कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो 6 कलर आपको देखने को मिल जाते हैं इसमें। तो ये ड्राइवर साइड का डोर पर आपको चारों पावर विंडो के कंट्रोल देखने को मिलते हैं। मिरर का आपको बटन दिया हुआ है जिससे आप मिरर एडजस्ट कर सकते हैं। नीचे आपको कुछ स्पेस मिल जाती है, बोतल होल्डर और एक स्पीकर देखने को मिल जाता है। आर्म रेस्ट भी दिया हुआ है डोर पर, इसका कोई भी लेदर फिनिशिंग देखने को नहीं मिलती है। यह इसका इंटीरियर काफ़ी अच्छा लगता है इसका देखने में। डुअल टोन में इंटीरियर दिया हुआ है जो काफ़ी शानदार दिख रहा है देखने में। तो चलते हैं गाड़ी के अंदर क्या क्या फीचर्स और आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले अगर इसकी सीट की बात करते हैं तो इसमें आपको फिक्स हेडरेस्ट दिए हुए हैं जिनको आप एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ से आप सीट को एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से फ्यूल लिड ओपन कर सकते हैं,
एसी के वेंट्स दिए हुए हैं, लाइट लेवलिंग का कंट्रोल दिया हुआ है। यह इसकी स्टीयरिंग पर भी आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, सुजुकी का लोगो, एक एयरबैग, आपको वॉल्यूम के कंट्रोल देखने को मिलेंगे, ब्लूटूथ कॉल का कंट्रोल भी आपको देखने को मिल जाएगा। स्टीयरिंग व्हील गार्नेस एंड टिल्ट स्टीयरिंग आपको देखने को मिल जाती है। यह इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, फ्यूल लो बर्निंग, टैकोमीटर, गियर शिफ्ट इंडिकेटर, डिस्टेंस टू एम्पटी, हेडलैम्प ऑन बर्निंग, डोर हजार बर्निंग लैम्प। यह इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, इसमें एप्पल कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो, ब्लूटूथ, दो स्पीकर, USB कनेक्टिविटी एंड ऑक्स, और जो इसके आपको माउंट एंड कंट्रोल दिए हुए ऑडियो एंड वॉइस वो आपको स्टीयरिंग पर देखने को मिल जाते हैं। इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, आप लगवा सकते हैं एक्सेसरीज में। AC वेंट्स दिए गए हैं, इस पर सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, हजार लाइट का कंट्रोल दिया हुआ है, नीचे AC के कंट्रोल मिल जाएंगे और नीचे आपको ऑक्स और USB का पोर्ट दिया हुआ है, कुछ स्पेस दी गई है। यह इसका 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन, काफ़ी अच्छा डिजाइन किया हुआ है जो देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, अंदर से का फोल्डर दिया हुआ है। ये इसका हैंड ब्रेक, इसमें आर्म रेस्ट नहीं दिया हुआ है, आप एक्सेसरीज में आप लगवा सकते हैं आफ्टर मार्केट। अंदर में आपको स्पेस काफ़ी अच्छी मिल जाती है हेडरूम में। यह इसका ग्लव बॉक्स काफ़ी बड़ा दिया हुआ है, एक एयरबैग देखने को मिल जाएगा पैसेंजर साइड, बड़ा सा डैशबोर्ड दिया हुआ है, इसमें दो एयरबैग देखने को मिलते हैं ड्राइवर और को ड्राइवर साइड। इसमें आपको टिल्ट स्टीयरिंग मिलती है जिसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, यहाँ ऑप्शन मिल जाता है। तो अंदर से काफ़ी अच्छी गाड़ी है। यह है इसका सनवाइजर, केबिन लैंप, माइक दिया हुआ है और ड्राइवर साइड सनवाइजर पर मिरर नहीं मिलता है, IRVM। तो कुछ एसेसरीज के पार्ट हैं जो आप लगवा सकते हैं, जैसे कि आपको आर्मरेस्ट लगवाना है तो आप लगवा सकते हैं, रिवर्स पार्किंग कैमरा लगवा सकते हैं। अगर इसमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की बात करते हैं तो दो आपको एयरबैग देखने को मिलेंगे ड्राइवर और को ड्राइवर साथ, ABS विथ EBD, स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट रिमाइंडर और स्पीड सेंसिटिव ऑटो डोर लॉक, सिक्योरिटी अलार्म, रियर पार्किंग सेंसर, सेंटर लॉकिंग, चिल्ड प्रूफ रियर डोर लॉक, फ्रंट फॉग लैम्प, ये रियर सीट। तो अब चलते हैं इसके रियर सीट पर, कितना स्पेस मिलने वाला है इसमें। तो रियर डोर करते हैं ओपन, रियर डोर पर क्या क्या देखने को मिलता है। रियर में पावर विंडो का कंट्रोल मिल जाएगा, बोतल होल्डर, इसमें दो ही स्पीकर मिलते हैं, रियर में स्पीकर नहीं मिलेंगे। रियर में भी हेडरेस्ट, पार्सल ट्रे, जो काफ़ी अच्छी बात है, पार्सल ट्रे काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है लोगों को, जिससे काफ़ी अच्छा लगता है, जिससे सामान वामान भी रख सकते हैं। इसके हेडरूम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, हेडरूम में काफ़ी अच्छी स्पेस मिलती है। इसका लेग रूम, इतनी स्पेस मिल जाएगी आपको, पॉकेट दी हुई है। ये रियर से पूरा इंटीरियर जो काफ़ी शानदार लग रहा है देखने में, डुअल टोन में दिया हुआ है। तो ये पूरा अंदर का लुक, ग्रैब हैंडल दिए हुए हैं, पार्सल ट्रे मिल जाती है बड़ी सी। इन सीट को आप स्प्लिट भी कर सकते हैं बूट स्पेस बढ़ाने के लिए, आप अलग अलग को कर सकते हैं, आपको हाफ को करना है या आप दोनों को करना है तो आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। अगर इसके प्राइस की बात करते हैं तो इसकी प्राइस पड़ेगी आपको 662,000 रुपये ऑन रोड। अगर इसमें आप डाउन पेमेंट की बात करते हैं तो आप 1.25 से 1.5 के बीच में आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं, आप अपनी किस्त करवा सकते हैं, EMI करवा सकते हैं, आप ले सकते हैं। बढ़िया गाड़ी है, देखने में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, काफ़ी ज़्यादा लोग पसंद भी करते हैं, पावरफुल इंजन आपको मिल जाता है,
तो आपको ऑन रोड पड़ेगी 662,000 रुपये। ये सभी जगह की अलग अलग होती है, आप अपने शोरूम पर जाकर चेक कर सकते हो, ये ऊपर नीचे भी हो सकती है। ये MP के प्राइस हैं 662,000 रुपये ऑन रोड टॉप वेरियंट के। तो अब चलते हैं, इसका बूट करते हैं ओपन, कितना स्पेस मिलने वाला है बूट में। तो अगर बूट की बात करें तो बूट में आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिल जाता है। आप सीट स्प्लिट करके आप बूट स्पेस बढ़ा भी सकते हैं, टूल किट दी हुई है, नीचे इसका स्पेयर भी मिल जाता है जो 14 इंच का दिया हुआ है। तो इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा नहीं मिलता है, आप एसेसरीज में लगवा सकते हैं। तो ये देखने में काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। अगर कलर ऑप्शन की बात करते हैं तो 6 कलर मिल जाते हैं, सिल्वर, वाइट, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, ग्रे। माइलेज की बात करते हैं तो आपको माइलेज मिलेगा 21.5 का, 21.5 का, और आपको 1.0 लीटर में मिलेगा आपको 22.5 का, और CNG में मिलेगा आपको 33.54 KMPL का माइलेज। एक कंपनी माइलेज है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।